का ध्यान दे। और ये फिर तुम्हारा मैं एक नारा लगाऊंगा, अरे कमल कांग्रेस मुर्दाबाद, अरे सुता परमल मुर्दाबाद। अब मैं बताना चाह रहा हूँ अपन ने मुर्दाबाद क्यों कहा, कमल कांग्रेस मुर्दाबाद क्यों कहा, क्योंकि दो साल पहले चुनाव हुआ था डूंगरपुर में जिला प्रमुख, क्योंकि बताना क्यों चाह रहा हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ एमपी के से एमपी से ही भाई आए, गुजरात से भाई आए, कि यहाँ कांग्रेस और बीजेपी एक है, क्योंकि जब जिला प्रमुख का चुनाव हुआ तब यहाँ दोनों मिलकर जिला प्रमुख बनाया। तो उस समय और एक और बात करना चाह रहा हूँ, हमारे दो साल पहले काकेडूंगरी मुकदमा हुआ और यहाँ उदयपुर संभाग के 5 से 7 हजार स्टूडेंट का नाम था, और वो कराने वाले कौन थे, यहाँ के कांग्रेस और बीजेपी के नेता, उनके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं हुई, ये कहना मैं चाह रहा हूँ उनके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं हुई। वो लड़के खुद कह रहे हमको कराने वाले कौन है, कांग्रेस और बीजेपी के नेता कराने वाले, उनके एफआईआर क्यों नहीं हुई। और हमारे दिन रात पूरे देश में बिल प्रदेश के लिए काम करे हमारे भवर जी दादा, उनके ऊपर एफआईआर की सबसे पहले जो काकेडूंगरी मुकदमा करवाए उनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, कराने वाले वो एफआईआर। और आज घर घर में बिल प्रदेश में भवर दादा जाके, अरे कितनी तुम एफआईआर करोगे, तो मुठखो तेरी अभी तैयार है, मेरा भी नाम लिखना है एफआईआर में, सबसे पहले मैं आने के लिए तैयार हूँ। सबको जय जवान, जय आदिवासी, जय बिल प्रदेश, जय बिल प्रदेश। कमलेश जी घटिया,